हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमृता। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। हेलो के कवर पेज पर सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की जोड़ी पहली बार हेलो पत्रिका के कवर पेज पर नजर आई है। हेलो के जून महीने के अंक में रेस्टी की जोड़ी देखने को मिल रही है। दोनों ही काले रंगों के परिधान में खूब फब रहे हैं। रोड सेफ्टी पर ध्यान देंगे अक्षय। अक्षय कुमार सड़क परिवहन मंत्रालय के सड़क सुरक्षा अभियान का प्रचार करेंगे। अक्षय ने ट्वीट किया, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अनन्या पांडे का हुआ एक्सीडेंट। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग के दौरान अनन्या पांडे का एक्सीडेंट हो गया। फिल्म की शूटिंग देहरादून में चल रही है। ये हादसा एक कार सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुआ। अनन्या कार चला रही थी, ड्राइविंग करते हुए उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। डांस दीवाने सलमान खान। सलमान खान रेस्त्री फिल्म के प्रमोशन के दौरान रियलिटी शो डांस दीवाने पहुंचे, जिसे माधुरी दीक्षित जज कर रही है। सलमान और माधुरी स्टेज पर आए और 24 साल पुराने एक सीन को दोबारा दोहराया। ये वही सीन है जिसमें सलमान कुर्सी पर बैठकर ऊपर देख रहे हैं, तो वहीं उन्हें माधुरी भी देख रही है। शराब का प्रचार नहीं करते अमिताभ। अमिताभ बच्चन का कहना है, अगर प्रोडक्ट को मैं पसंद करता हूं या इस्तेमाल करता हूं तो मैं उसका प्रचार करूंगा, लेकिन मैं शराब, धूम्रपान या पान बाहर से संबंधित उत्पादों का प्रचार नहीं करता जिनका मैं सेवन नहीं करता हूं। हरविंदर माकड़ की डार्क मिरर एक शॉर्ट फिल्म है जो कि छाया की कहानी को दर्शाएगा। रोशनी डार्क छाया की भूमिका निभाएंगी। ये पहली शॉर्ट फिल्म है जिसमें गाने भी होंगे। घर लौटी वरुण की भाभी। वरुण धवन की भाभी जानवी देसाई ने 29 मई को बेटी को जन्म दिया। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जानवी अब अस्पताल से घर लौट गई हैं। अब वरुण अपनी नन्ही भतीजी के आने की खुशी में एक शानदार पार्टी का आयोजन करने वाले हैं। लोकल ट्रेन में अनुपम खेर। 30 साल बाद लोकल ट्रेन में चढ़ने के बाद अनुपम खेर ने बताया कि जब वो मुंबई आए थे तब लोकल ट्रेन ही उनका एकमात्र साधन था। पहले के 2-3 साल उन्होंने लोकल ट्रेन से ही आना जाना किया है। सलमान को पसंद है माँ की गोद। सलमान ने बताया, जब वो छोटे बच्चे थे उन्हें कार में बैठने में डर लगता था। जब उन्होंने सिर माँ की गोद में रखा उन्हें नींद आ गई। वो तो ये भी कह गए कि जिन लोगों को अपनी माँ की गोद में सोने को नहीं मिला उन्होंने अलौकिक आनंद गंवा दिया। रजनीकांत को लीगल नोटिस। रजनीकांत की फिल्म काला 7 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ रजनीकांत की फिल्म को कर्नाटक में बैन करने की बात चल रही है, वहीं दूसरी ओर अब एक लीगल नोटिस भी रजनीकांत को भेजी गई है जिसमें 101 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है। रिवॉल्वर रानी भारती सिंह। भारती भले ही आज कॉमेडी क्वीन के नाम से पहचानी जाती हूँ, लेकिन भारती कभी खुद का करियर पिस्टल शूटिंग में देखती थी, लेकिन पैसों की कमी और जिम्मेदारियों के चलते भारती को ये चाहत खुद ही खत्म करनी पड़ी। बिग बॉस 12 होगा सबसे बोल्ड। बिग बॉस का नया सीजन भी कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है। एक ही सेक्स के कपिल भी शो में नजर आ सकते हैं। गे और लेस्बियन कपिल को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एडल्ट स्टार की खोज भी की जा रही है। हॉस्पिटल में एडमिट बिपाशा। बिपाशा बसु सांस संबंधी परेशानी के चलते मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है। बिपाशा का ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने हॉस्पिटल से अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की है। उन्होंने चाय का कप हाथ में लिए एक फोटो पोस्ट की है। डांस बेस्ड फिल्म में काम करेंगे सलमान। सलमान खान ने रेमो डिसूजा के साथ डांस बेस्ड फिल्म बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में सलमान ने रेमो के निर्देशन में बनी फिल्म रेस्टी की शूटिंग शुरू कर दी। अब सलमान खान ने कहा कि वो इस फिल्म में जरूर काम करेंगे। बच्चा पैदा करने के लिए शादी जरूरी नहीं। शमा सिकंदर ने कहा, बच्चा पैदा करने के लिए मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी उसे अपना लाडला बेटा ही कहूंगी। शमा ने कहा कि वो अपनी शादी में सिर्फ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ही बुलाएंगी। दीपिका के डायलॉग पे होटल का नाम। दीपिका पादुकोण ने अपने प्रसिद्ध डायलॉग थंगाबली के नाम पर आधारित एक दक्षिण भारतीय होटल देखा। मुंबई के माही में हाल ही में एक दक्षिण भारतीय होटल खुला जिसका नामकरण दीपिका की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से प्रेरणा लेकर किया गया है। अक्षय ने किया स्वर्ण साथी लॉन्च। अक्षय कुमार ने मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट स्वर्ण साथी लॉन्च किया। अक्षय कुमार ने कहा कि धूम्रपान के बढ़ते प्रसार के परिणाम स्वरूप फेफड़ों का कैंसर भारत में महामारी की तरह फैल गया है। जेम्स बॉन्ड की कार की नीलामी। गोल्डन आई फिल्म में दर्शकों को एस्टन मार्टिन DB5 कार बहुत पसंद आई, उसे अब नीलाम किया जा रहा है। जेम्स की 7 फिल्मों में इस कार को दिखाया जा चुका है। अरमान कोहली ने गर्लफ्रेंड को पीटा।
अरमान कोहली पर अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। नीरू के सर में काफी चोटें आई हैं और इस वक्त वो कोकला बेन अस्पताल में है। नीरू ने अरमान के खिलाफ जुहू पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। मायापुरी न्यूज़ रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।